नालंदा के कतरी सराय में बालू का अवैध धंधा। कटौना गांव से दिन रात बालू उत्खनन। दबंगई का खेल में पूरा गांव परेशान। थाना में शिकायत करने पर भी कोई असर नहीं। पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से चल रहा है काला धंधा। यहाँ द एचडी न्यूज इस ऑडियो और वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इससे इनकार भी नहीं किया जाता इस तस्वीर को देखने के बाद। बिहार के नालंदा जिला में लगातार अवैध बालू का खनन हो रहा है। ऐसे में शिकायत करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। लगातार थाने में शिकायत जाने के बाद भी थाना कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहा है। इसको लेकर गांव वाले भी परेशान हैं। बिहार में अगर कहा जाए तो बालू ही एकमात्र सोने का रूप है, और बिहार में अवैध बालू खनन होगा तो लोग परेशान होंगे ही। आइए हम इस खबर को विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये बालू का खनन कैसे हो रहा है। इसको लेकर तमाम जानकारियां हम विस्तार से आपको देते हैं। बिहार के नालंदा जिला में कतरी सराय थाना क्षेत्र में हो रहा है अवैध बालू खनन। कटौना गांव से अवैध बालू पर दबंगों का नजर है। वहीं कतरी सराय में लगातार बालू का काला खेल और कटौना गांव में बालू जा रहा है। पूरी खबर हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। आइए हम आपको पहले ये तस्वीर दिखाते हैं जहां अवैध तरीके से दिन रात ट्रक के जरिए बालू ढोया जा रहा है। थाना प्रभारी सहित पूरे थाने को इस बात की सूचना लगातार दी जा रही है, लेकिन सूचना देने के साथ साथ बालू का अवैध खनन और उत्खनन वीडियो भी दिया जा रहा है, मगर थाना कहीं ना कहीं संबंधित कोई भी अधिकारी पदाधिकारी या कर्मचारी इसकी शुद्ध नहीं ले रहा। आइए हम आपको वो ऑडियो सुनाते हैं जहां समाज सेवा करने वाले एक व्यक्ति ने थाना प्रभारी को इस बात की सूचना दी और बालू के काले खेल की सूचना देने के बावजूद भी कोई सुध लेने वाला नहीं है। इस ऑडियो और वीडियो देने के बाद भी थाना कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। पहले हम ये ऑडियो आपको सुनाते हैं। हेलो सर, बताइए ओम प्रकाश बाबू क्या किए आप, तो भेज दिए तीन मतलब ठाकुर स्थान में गाड़ी रोक ले रहे, अब तीन भटवा पर से गड़िया बढ़ गया तभी गांव घुस गया, घुसे तो फिर बटरी तरह से घूम के अब आके बउआ तरजे प्रमुख का चाय पी रहे हैं। बताइए बोले भाई गाड़ी फंसा हुआ है वो जे नदी अथी पैनिया में वो सबका हम घुमा के वजह से ला के आज चाय पी रहे हैं। बताइए कहते हैं आप कह रहे थे कि अब सर आप जाइए सर ये लोग नहीं कर पाएंगे ना, सबको पैसा बना हुआ तो कहल करेंगे इन लोग, 1000 रुपए पर डे इनको मिलता है, सब पता हो गया कटौना में कटा पैसा ठीक है। सुन लीजिए 1000 रुपए गाड़ी लेते हैं पर डे, कहल जाएंगे भाई कहे देंगे देगा पैसा पब्लिक इनको देगा बालू माफिया है। बताइए आपको कह रहे थे बोला फिर बोले सेटिंग कर दिया पकड़ा नहीं, आज 8 गाड़ी पकड़ा जाता। अच्छा ठीक है बताइए ना, वो जब बैठ के आराम से चाय पी रहे हैं वह हंस रहा है आदमी को फोन करो रही, बताइए सब पूछना है कटौना में। ओम प्रकाश बाबू थे तीन गाड़ी पार करवा दिए, जब उनके सामने पार हुआ तीन गाड़ी ठीक हो कर इलाज करते हैं बहन नहीं कौन सी करते हैं अपने के कल की सेटिंग कीजिए सबको दो आदमी जाके भेज के नदी पर खाड़ पर सब लगा दिए कि कहाँ गाड़ी है कहीं निकला कहीं गाड़ी निकला सब पल पल को सूचना आपको हम दिया 20 बार फोन किया, लेकिन आप जाते हैं कुलधारा जाता है भेज दिया प्रकाश ठाकुर सर में खड़ा कर दिया गाड़िया बुकबुका के और तीनों गाड़ी के सामने पार कर गया तभी घुसे और फिर घुमा के चला के अब दिखा बबुआ तक गाड़ी लगा के चाय पी रहे हैं। अच्छा ठीक हो रुको हम दर्ज कर पदाधिकारी लोग मले पैसे पर टूटल है बालू वाले इनका मले पैसे पर चीहे सब चलवाइए रहे हैं तो क्या कहला तो आपका क्या फायदा है रोज तो इन लोग पैसे इनको चाहिए 1000 रुपए ड्राइवर सामने मंटू ने पैसा दिया इनको है फूकना या पिछुआ मेरे सामने दिया जब हम ड्राइवर साहब को दिया हमारा आपको फोन में किए थे मेरे सामने ठाकुर ने पैसा दिया और संजोग हम जा रहे थे ठाकुर साहब में वायदा और देखे आया आपके लिए उतरा पटक से पैसा दिया आई चलते बने उसे चलते बने हमको देख लिया 1000 रुपए गाड़ी लेते हैं आपको सब सब जितना छोटा बाबू सब 1000 रुपए गाड़ी है बना हुआ है सबका सब ठीक है सर ठीक। तो आपने इस ऑडियो को सुना और पूरे खेल में थाना प्रभारी की भी संलिप्तता बताई जा रही है, कहीं ना कहीं
संलिप्तता होने की वजह से कोई भी अधिकारी और थाना प्रभारी इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर जो अवैध खनन को लेकर सूचना देने वाले व्यक्ति समाज सेवी जो हैं, उन्होंने भी कैमरे के सामने आकर पूरी आपबीती बताई है। पहले वो बयान भी हम आपको सुनाते हैं। मामला यह है कि बार बार हम थाना प्रभारी महोदय जी को कह रहे हैं कि सर यहाँ बालू, अवैध बालू चल रहा है, करोड़ों का सरकार का नुकसान है, लेकिन मेरी बात को इनकार कर रहे हैं। जो भी पदाधिकारी जाते हैं उनके सामने गाड़ी पार हो जाता है तब घुसते हैं गांव में। बार बार 100 बार मैं थाना प्रभारी महोदय जी को, DSP साहब को, सबको सूचित कर रहे हैं कि मेरे गांव में किसी समय घटना घट सकता है। हाल में ही देखिए बारसली में 2 दिन पहले क्या हुआ, प्रशासनिक लोग के साथ क्या हुआ, कल की घटना है नालंदा डिस्ट्रिक्ट में गिरिया में क्या हुआ कल देखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। 100 बार मेरे गांव का ऑडियो है मेरे पास, वीडियो है मेरे पास, रोज पर डे शाम 3 बजे से लेकर 10 बजे रात तक कम से कम अंधाधुंध ट्रैक्टर चला, किसी समय घटना घट सकता है। शिक्षित व्यक्ति वहाँ भारत भूषण पूर्व मुखिया ने माननीय मुख्यमंत्री जी को पिटिशन दिए कि बालू के अवैध के चलते बालू माफिया उनके घर पर चढ़ के गाली गलौज किया। पर डे हम सभी पदाधिकारी को पर डे सूचित कर रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। क्या लगता है सरकार क्यों नहीं एक्शन लेना चाह रही है, प्रशासन का इसका मतलब कहीं ना कहीं मिली भगत है? हाँ, मिली भगत सब चल रहा है, प्रशासन चाहेंगे तो एक कठौती भी बालू नहीं उठ पाएगा, उससे उनको पैसा जा रहा है पर डे। वहाँ का छोटा बाबू जितना पदाधिकारी है, बड़ा बाबू छोड़ के मान लिया उनको सूचित कर रहे हैं, लेकिन बात ये जितना वहाँ छोटा पदाधिकारी है सब लोग वहाँ पैसा जाता बालू माफिया के सामने चंदा होके। तो आपने सुना इस व्यक्ति के बयान जो समाज सेवी हैं और लगातार इस बात को लेकर आवाजें उठा रहे हैं और थाना प्रभारी से लेकर तमाम आला अधिकारियों को इन्होंने सूचना दे दी है, लेकिन अभी तक अवैध बालू खनन का काम जो है धड़ल्ले से चल रहा है, कहीं ना कहीं थाने की मिली भगत से ये सब कुछ हो रहा है। देखना होगा इस पर कब तक कार्रवाई होती है। अगर आप भी UPSC या JPSC परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग सेशन, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर theprayasindia.com पर विजिट करें।